नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और खास वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो आपकी सीबीटी एग्जाम होने वाली है उसके दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। चलिए फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज की जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते रहे। देखिए, यहाँ पर सबसे बात समझने की यह ज़रूरी है कि यह जो क्वेश्चंस है यह एनिमी के क्वेश्चंस है और पीडीएफ भी यहाँ पर एनिमी के ही है। इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने ट्रांसलेट करके आपके लिए हिंदी में अवेलेबल किए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं आपको कि यही वो चैप्टर है जिसने कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक खाए थे। तो इसको आप कतई मत छोड़िए क्योंकि यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ जर्नल इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन? जल विज्ञान गतिशील स्नेहन में जर्नल की स्थिति क्या है? तो जर्नल की यहाँ पर क्या करना है आपको, स्थिति बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, जर्नल एट अ फुल स्पीड, जर्नल एट अ रेस्ट, जर्नल स्टार्ट टू रोटेट, जर्नल एट अ मिडल स्पीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्नल स्टार्ट टू रोटेट, यानी जर्नल क्या हो स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ जर्नल हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन? हाइड्रोडायनेमिक स्नेहन में जर्नल की स्थिति क्या है, यानी जर्नल कौन सी स्थिति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? तो जर्नल जो है यहाँ पर फुल स्पीड में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, और यहाँ पर तीसरा भी देखिए जो कि यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में जर्नल की गति यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो यह क्या है, कौन सी गति है? तो यहाँ पर देखिए, तो जर्नल एज अ रेस्ट, यानी जर्नल क्या है रेस्ट के पोजीशन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे आपको जो है अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं आ सकती है, यह एक सच्चाई है, यह ध्यान में रखिए और बाद में जो है आप सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कीप द विटल पार्ट्स इन कंडीशन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ मशीन? क्या मशीन के जीवन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हिस्से में क्या रहता है, लुब्रिकेशन, कूलेंट, ड्राई वाटर? तो देखिए, यहाँ पर मशीन का ले लीजिए या हमारा ले लीजिए, लुब्रिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका जो है यहाँ पर जीवन बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा वह तरल पदार्थ जो कि जहाँ पर जो पार्ट होते हैं, जहाँ पर फ्रिक्शन होने वाली है वहाँ पर क्या होता है कि वह जो है एक लुब्रिकेशन, एक ऑयलनेस का यहाँ पर या ऑयल का जो है यहाँ पर काम करता है। जैसे कि घुटनों में दर्द होता है या आपकी कलाई में, वैसे ही यहाँ पर मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहाँ की फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है यहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं और उससे जो है यहाँ पर लाइफ बढ़ाने में जो है यहाँ पर मदद मिलती है। व्हाट इज द सबस्टेंस हैविंग एन ऑयली प्रॉपर्टी? एक तेल की संपत्ति होने वाले पदार्थ क्या है, लुब्रिकेंट, कूलेंट, वाटर, एयर? तो क्या है वह संपत्ति, ऑयली प्रॉपर्टी है, तो यह कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है ये, लुब्रिकेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम, यानी टीपीएम का पूरा पूरा यहाँ पर जो है आपको फुल फॉर्म बताना है, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, टोटल प्रोसेस प्लानिंग मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्लान मेंटेनेंस। तो टीपीएम का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट इन एनी मशीन एंड अल्सो रिमूव ऑफ फॉल्ट? किसी भी मशीन में दोषों को खोजने और दोषों को हटाने की प्रणाली क्या कहती है, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस या मार्केटिंग? तो वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मशीन में जो फॉल्ट होते हैं उसको क्या किया जाता है, खोजा जाता है और उसको जो है यहाँ पर दूर किया जाता है, तो उस सब प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उस प्रणाली को मेंटेनेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग एंड री टाइटनिंग? किस प्रकार के रख रखाव में दैनिक सफाई, निरीक्षण, तेल और फिर से कसने की शामिल है? ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, पीरियडिक। तो यह कौन से यहाँ पर मेंटेनेंस में आता है? तो यह जो आता है वह आता है प्रिवेंटिव, यानी ब्रेकडाउन होने से पहले जो है यहाँ पर, जो ब्रेकडाउन ना आए या मेंटेनेंस करने से पहले, ब्रेकडाउन पर करना आए इसलिए जो यहाँ पर पूर्व तैयारी की जाती है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस हैविंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूस इक्विपमेंट फेलियर? किस प्रकार के रखरखाव में कम उपकरण विफलता का लाभ हो रहा है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो है यहाँ पर रखरखाव में उपकरण विफलता का लाभ हो रहा है। विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व इफ मिशन अंटिल इट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन? किस प्रकार के रखरखाव में शामिल है? अगर एक मशीन यूनिटिल पूरी तरह से टूट जाती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तो यह किस प्रकार के मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है यह यहाँ पर पूछा गया है। तो वह जो आता है वह क्या आता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी वह पूरे तरीके से काम नहीं कर सकती है। विच डिपार्टमेंट कीप द मशीन एंड इक्विपमेंट्स इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशन? कौन सा विभाग अच्छी ऑपरेटिंग स्थिति में मशीनों और उपकरणों को रखता है? प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, टूल रूम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अच्छी ऑपरेटिंग स्थिति में मशीन और उपकरणों को रखता है, तो वह कौन सा विभाग है? तो उस विभाग का जो नाम है वह क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस विभाग। वट इज द सिंबॉल ए इंडिकेट्स इन मशीन टूल लुब्रिकेशन? मशीन उपकरण स्नेहन में प्रतीक ए संकेत मिलता है, डेली, मंथली, एज पर मैन्युफैक्चरर, वीकली। तो ये क्या है, यानी उस पार्ट को अगर ये लिखा है उस पार्ट के ऊपर लुब्रिकेशन में, तो वह कितना समय होता है? तो वह समय होता है ऑप्शन नंबर डी, वीकली। वीकली जो है यहाँ पर वह प्रक्रिया या उस जगह पर आपको ऑयल करना चाहिए, लुब्रिकेशन देना चाहिए। वट इज़ यूज टू लेवल द मशीन टूल्स एक्यूरेटली? मशीन उपकरण को सही ढंग से स्तर के लिए क्या उपयोग किया जाता है? स्ट्रेट एज, प्लम बॉम, टेस्ट मैंडल, स्पिरिट लेवल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, मशीन उपकरण को सही ढंग से स्तर के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वह ऊपर नीचे ना हो, टेढ़ा ना बैठ जाए, इसलिए स्पिरिट लेवल यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट टेस्टेड द रन आउट ऑफ व्हील स्पिंडल नोज इन सरफेस ग्राइंडिंग? सतह पीसने में पहिया स्पिंडल नाक के यानी नोज के किनारे का परीक्षण करता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्ट्रेट एज, मैंड्रिल या स्पिरिट लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर। रन आउट मतलब क्या है कि वह कितना यहाँ पर आउट घूम रहा है या वह किस स्थिति में, यहाँ पर देखिए गोल घूमना चाहिए तो जीरो जीरो आएगा, लेकिन वह जो है ऐसा घूमेगा तो थोड़ा सा उसमें टेपर आ जाएगा, यह भी ध्यान में रखना होगा। और आपको भी यहाँ पर बाद में जो है रन आउट टूल का चेक करना पड़ता है कि वह कितना घूम रहा है, 0102 है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर वह ज़्यादा आउट घूम रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 mm का ड्रिल करना है और ड्रिल आपका जो है यहाँ पर 0.5 जो है आउट घूम रहा है, तो यह क्या करेगा, 0.5 इस होल को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होता है सभी चीज़ों का। देखिए, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट द ग्यूज ऑफ वाइपर एट लोएस्ट टेम्परेचर ऑन हीटिंग? स्नेहक की संपत्ति जो हीटिंग पर सबसे कम तापमान पर बाष्प को देता है, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, पुअर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो यह खास वीडियो है आपको कैसा लगा, हमें
कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में खास क्वेश्चन के साथ बचे हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।